बहुत से लर्नर इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि यूज टू बी क्या है और अक्सर कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि यूज टू बी को कैसे यूज करें। तो आइए फ्रेंड्स इस कंसेप्ट को समझें। बहुत आसान कंसेप्ट है, उम्मीद करता हूँ कि आप पूरी बात समझेंगे। कई बार हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना होता है जहाँ हम कहते हैं यहाँ एक कॉलेज हुआ करता था या यहाँ एक मंदिर हुआ करता था, यहाँ एक मस्जिद हुआ करता था, यहाँ एक पुराना पेड़ हुआ करता था। तो फ्रेंड्स इस तरह के सेंटेंसेस जहाँ कहते हैं कि यहाँ पर कुछ हुआ करता था को बोलने के लिए आप यूज टू बी का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, आइए इस बात को एग्जाम्पल में बेहतर तरीके से समझें। यहाँ पर एक कॉलेज हुआ करता था, देयर यूज टू बी अ कॉलेज है। यहाँ पर एक मंदिर हुआ करता था, देयर यूज टू बी अ टेम्पल है। यहाँ पर एक किला हुआ करता था, देयर यूज टू बी अ फोर्ट है। यहाँ पर एक पुराना घर हुआ करता था, देयर यूज टू बी एन ओल्ड बिल्डिंग है। यहाँ पर एक कोचिंग सेंटर हुआ करता था, देयर यूज टू बी अ कोचिंग सेंटर है। यहाँ एक कोर्ट हुआ करता था, देयर यूज टू बी अ कोर्ट है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको यूज टू बी का मतलब समझ में आया कि जब आपको कहना हो कोई चीज यहाँ हुआ करता था, यानी पास्ट में कोई चीज यहाँ पर मौजूद था जो अब नहीं है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप यूज टू बी का यूज करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। तो फ्रेंड्स अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? सिर्फ दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।